दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों भी 12 मार्च को खेला गया भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का मैच तो आपने देखा ही होगा, जिसमें कोहली बाबा ने सेंचुरी मारकर सभी के होश उड़ा दिए थे। अब विराट कोहली फॉर्म में आ गए हैं तो ये तो हम सभी को पता है, लेकिन हर तरफ सिर्फ एक ही बात चल रही है कि विराट कोहली के इस लाजवाब फॉर्म के पीछे कोई और नहीं बल्कि नीम करोली बाबा है। और विराट कोहली को तो छोड़ दीजिए, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को तो आप जानते होंगे। आपको मालूम है ये भी नीम करोली बाबा के बड़े भक्त है और इन्होंने फेसबुक और व्हाट्सएप के मालिक मार्क जुकरबर्ग को नीम करोली बाबा के आश्रम में जाने के लिए कहा था। ऐसे में नीम करोली बाबा है कौन और देश विदेश में हर कोई इनका भक्त है और इनके आश्रम में जाने मात्र से ही लोगों का उद्धार हो जाता है। आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको नीम करोली बाबा की वो कहानियां सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बस मेरे साथ इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों कहा जाता है एक बार नीम करोली बाबा दिल्ली के बिरला मंदिर में बैठे हुए थे और तभी वहां पर एक बंदा आता है जो यहाँ का नहीं था बल्कि बांग्लादेश से ताल्लुक रखता था। चमत्कार तो तब होता है जब उस बंदे के एक शब्द भी बोलने से पहले नीम करोली बाबा उसे कहते हैं, तू चिंता मत कर, तेरा भाई जल्दी जेल से छूट जाएगा और पूरे देश पर राज करेगा, इसलिए तू यहाँ पर अपना समय बर्बाद मत कर और घर जाकर अपने भाई के स्वागत की तैयारियां कर। नीम करोली बाबा की बातें सुनकर वो आदमी हैरान हो जाता है क्योंकि उसका भाई पाकिस्तान की जेल में बंद था और यहाँ तक कि उसके भाई को मौत की सजा भी सुनाई गई थी, इसलिए वो कब मर जाएगा इसका कोई पता नहीं था। इसलिए बाबा की कही बातें उस बंदे को विश्वास नहीं हो पा रही थी। पर आप विश्वास नहीं करेंगे, कुछ दिनों बाद उस इंसान के भाई को जेल से रिहा कर दिया गया और इतना ही नहीं, उस आदमी का भाई जेल से बाहर आने के बाद तुरंत बांग्लादेश का पहला राष्ट्रपति बना, जो कोई और नहीं बल्कि शेख मुजीबुर रहमान था। अब आप इसे बाबा का चमत्कार कहिए या फिर सिर्फ इत्तेफाक, क्योंकि आगे हम जो बताएंगे उसे सुनने के बाद कुछ कहने के लिए आपके पास शब्द नहीं बचेंगे। वैसे दोस्तों आप ऑस्कर जीतने वाली हॉलीवुड स्टार जूलिया रॉबर्ट्स के बारे में तो जानते होंगे। क्या आपको मालूम है अपने एक इंटरव्यू में खुद जूलिया रॉबर्ट्स ने कहा था कि नीम करोली बाबा की मात्र फोटो देखकर उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया था। जूलिया को खुद पता नहीं चला कि बाबा की फोटो देखकर उसके साथ आखिर क्या हुआ था। और इतना ही नहीं, ये तब कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स की जिंदगी में बहुत सारी नाकामियां आई थी, तब उनका जीवन असफल जा रहा था, तब डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट ने उन्हें नीम करोली बाबा के कैंची धाम जाने के लिए कहा था और जब स्टीव जॉब्स यहां पहुंचे तो उन्होंने एप्पल कंपनी की शुरुआत की। और ये तक कहा जाता है कि एप्पल का लोगो भी नीम करोली बाबा के पसंदीदा फल सेब पर बनाया गया। यहाँ तक कि स्टीव जॉब्स के कहने पर मार्क जुकरबर्ग भी उत्तराखंड के कैंची धाम में गए थे, जिसके बारे में उन्होंने खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक इंटरव्यू के दौरान बताया। दोस्तों अगली कहानी है उस इंसान की जिसने स्टीव जॉब्स को नीम करोली बाबा के आश्रम में जाने के लिए एडवाइस किया था। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट की, जिन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए 1973 से लेकर 1976 तक काम किया था। और हम शर्त लगाकर कह सकते हैं कि इनकी कहानी सुनने के बाद नीम करोली बाबा के ऊपर आपका विश्वास पक्का हो जाएगा। ये बात 1970 की है जब लैरी ब्रिलियंट अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के लिए उत्तराखंड के कैंची धाम आए थे, जहां नीम करोली बाबा रहा करते थे। जब लैरी यहां आए तो वो सिर्फ एक फिजिशियन थे, लेकिन बाबा ने लैरी को बुलाकर कहा कि ये मेडिटेशन करना छोड़ दो और WHO के ऑफिस जाकर चिकन पॉक्स की बीमारी को ठीक करने के लिए उन्हें मदद करो। अब दोस्तों उस वक्त लैरी ना ही कोई एपिडेमियोलॉजिस्ट थे और ना ही कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर थे, इसलिए WHO वालों ने लैरी ब्रिलियंट का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। इसलिए जब वो फिर से बाबा के पास आए तो बाबा ने उसे फिर से अप्लाई करने के लिए बोला और ऐसे कई बार चलता रहा, हर बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता। लेकिन एक दिन बाबा की एडवाइस सुनकर लैरी ने WHO के मेंबर से कहा उन्हें डॉक्टर के तौर पर नहीं, अगर किसी भी पोजीशन के लिए रख लिया जाए तब भी चलेगा। और इतना कहते WHO में एक वैकेंसी निकल आई और लैरी को एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट यानी सेक्रेटरी की पोजीशन के लिए चुन लिया गया। हालांकि उनके पास अभी भी चिकन पॉक्स को लेकर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए उन्हें सिर्फ ऑफिस में ही बैठना पड़ता था। पर एक दिन खुशकिस्मती से दो रशियन डॉक्टरों को भारत के रीजन के लिए असाइन किया गया, लेकिन उनमें से एक डॉक्टर के पास कोई भी असिस्टेंट नहीं था। उस डॉक्टर के साथ फील्ड पर जाने के लिए लैरी को सिलेक्ट कर लिया गया। अब इसके आगे जो हुआ उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आपको विश्वास ही नहीं होगा, क्योंकि एक दिन लैरी को चिकन पॉक्स प्रोग्राम के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए गाँव में भेजा गया था। और जब लैरी उस गांव के लोकल डॉक्टर के ऑफिस गया और उसने चिकन पॉक्स प्रोग्राम के बारे में बात की तो उस डॉक्टर ने लैरी को मना कर दिया, क्योंकि उस समय सभी डॉक्टर इस बीमारी से डरे हुए थे और उन्हें लगता था कि चिकन पॉक्स के मरीजों को ठीक करना बहुत ही जोखिम भरा और मुश्किल काम है।
डॉक्टर के मना करने के बाद जब लैरी वहां से निकल कर अपनी जीप में बैठ रहा था, तभी उस डॉक्टर ने देखा कि लैरी को जीप में बाबा नीम करोले की फोटो लगी हुई है। और वो फोटो देखते ही उस डॉक्टर ने लैरी को फिर से ऑफिस में बुलाया, क्योंकि डॉक्टर को बाबा के बारे में मालूम था और उन्होंने सुना था कि बाबा की कही हर बात सच होती है। तब लैरी ने डॉक्टर को बताया कि बाबा ने कहा था चिकन पॉक्स का इलाज आसानी से हो जाएगा, और बाबा की कही बात सुनकर डॉक्टर के अंदर एक उत्साह जाग उठा और उसने अपने इलाके के सभी डॉक्टर्स को इस बारे में बताकर चिकन पॉक्स का ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। और कुछ ही दिनों में वो पूरा इलाका चिकन पॉक्स की बीमारी से मुक्त हो गया। उस इलाके की परफॉर्मेंस को देखकर लैरी को अब अलग अलग इलाकों में भेजा जाने लगा, और हर जगह पर जाकर वहां के लोकल डॉक्टर से बात करके लैरी इस पूरे इलाके को चिकन पॉक्स की बीमारी से मुक्त करवा देता था। और अगर लैरी ब्रिलियंट की माने तो मात्र 2 साल के अंदर उन्होंने पूरे भारत को चिकन पॉक्स की बीमारी से मुक्त कर दिया। एक वक्त पहले चिकन पॉक्स की बीमारी जिस किसी को भी पता होती थी उसके नजदीक तक नहीं जाते थे लोग, और डॉक्टर्स का इलाज करने से भी घबराते थे। वो बीमारी मात्र 2 साल के अंदर ही सिर्फ और सिर्फ नीम करोली बाबा की कही बात पर पूरे भारत में खत्म हो गई, वरना इस बीमारी के कारण हर साल हजारों लोगों की मौत हो जाती थी। अब आप सोच लीजिए नीम करोली बाबा कितने चमत्कारिक है, जिनकी कही हर बात सच हो जाती है। और यही वजह है कि हॉलीवुड से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन तक नीम करोली बाबा के सामने अपना सर झुकाते हैं। आपका इनके बारे में क्या ख्याल है कमेंट में बताइए, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही है, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।